ठेकेदार अर्पित शर्मा को ब्लैकलिस्ट करने की मांग, पार्षद नीलम बघेल ने की, 4 माह में ही सड़कें हुई खराब, 3 बार मंत्री राजे कर चुकी भूमि पूजन। शिवपुरी कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में आज वार्ड नंबर 11 की पार्षद नीलम बघेल ने जनसुनवाई में आवेदन सौंपा है। नीलम बघेल का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा जो सड़क डाली गई है वह कुछ महीने बाद ही खराब हो चुकी है। वार्ड जानकारी के अनुसार पार्षद नीलम बघेल ने बताया कि वार्ड नंबर 11 में विजयपुरम कॉलोनी की गली नंबर 1 व गली नंबर 2 में शीतला माता मंदिर रोड, जिसका निर्माण कार्य 18 महीने पूर्ण हो चुका है, रोड को डालने के बाद 4 माह बाद ही रोड चटक चुकी है, जिससे शासकीय नगर पालिका प्रशासन की राशि का दुरुपयोग किया गया। वार्डवासियों में इसके लिए काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इन रोडों को कोर कटिंग कराकर मुख्य तकनीकी परीक्षक CTE के द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाकर ठेकेदार के द्वारा विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग पार्षद ने की है। पार्षद नीलम बघेल ने बताया कि 4 साल पहले जो टेंडर लेकर सड़कें ली गई थी उनका अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है। डॉक्टर रघुवंशी के पास वाली गली में लोग गिर रहे हैं, लेकिन वहां पर ठेकेदार सुध नहीं ले रहे हैं। पार्षद नीलम बघेल ने बताया कि महाराज साहब 2 बार भूमि पूजन कर चुकी हैं, लेकिन आज दिनांक तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। कलेक्ट्रेट में आइए, क्या आवेदन दिया? यही चीज का दिया आवेदन कि ठेकेदार जो आजकल है रोडों का सत्यानाश कर रहे हैं। पहले कोरोना काल में जो रोडें डाली थी मेरे वार्ड 11 में, पूरी रोडों का टूटन फूटन ऐसा हो रहा है कि रोड लग ही नहीं रहा है, जिस साल भर पहले पुराने रोड है। दूसरा, और मेरे वार्ड में और भी रोडें ली है, सहरगी ली है, उन्हें रोड है 4-4, 5-5 साल हो रही है, रोडें नहीं डालना है, दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, मोटी मोटी चेने पहन के घूमना शहर में, और किसी को रोड करने भी नहीं देना है। तो मैं तो यही चाहूंगी ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और हटाया जाए, जिससे दोबारा से ये टेंडर हो और रोड का काम चालू। आपने आप पार्षद हैं, CMO से शिकायत की इसके बारे में? कई बार सर कर चुके भैया, और करते करते थक चुके, अब कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए मैं आज जनसुनवाई में आई। कौन है? अर्पित शर्मा। आप सत्ता दल से पार्षद हैं और PIC की सदस्य भी हैं, तो क्या आपने अध्यक्ष से इस बारे में बात की? अध्यक्ष भी कार्रवाई नहीं कर रही है? ऐसे ठेकेदारों पे कोई भी शिकंजा कसी नहीं सकता जिनने शहर बर्बाद किया है, क्या किया जाए? अध्यक्ष साहब क्या करें बेचारे? टेंडर पे वो भी ब्लॉके थे और है ना, 4-4 साल पुराने हैं, ना तो रोड को डालना है ना कुछ करना, और यूं और कहता है कि मेरे पीछे पीछे रहेंगे पास हाहा खाते हुए, जब भी मैं रोड को डालूंगा तो कौन उसके गिड़गड़ाए, कौन उसकी बैठ है? मेरे वार्ड के अभी रोड डालने के लिए काफी रोड है, डॉक्टर रघुवंशी वाली गली को लोग बाग गिर रहे हैं, रूठ रहे हैं, आम जनता इतनी परेशान, हम लोगों को गाली दे रही है, हम लोग जा नहीं सकते इस कॉलोनी में, इतनी बुरी दुर्दशा है, उस रोड को ये डालता नहीं, 2 बार भूमि पूजन मारा सब करके गई है उस रोड को। अभी अधिकारी क्या बोले? बोल रहे हैं कि हम जांच करवाते हैं और दोबारा। आपने किस विषय में आवेदन दिया है? ये रोडों की कोर कटिंग की जाए और अपने जो रोड इन्हें ली है उनका काम करें। गुंडागर्दी कौन करता है? वही ठेकेदार, करोड़पति आदमी, खरबपति आदमी, ठेकेदारी कर करके वो पूरे शहर पे कब्जा कर चुके हैं, इतना बड़ा शिकंजा कसा है कि उनके डर के मारे कोई और ठेकेदार कर ही नहीं पाता काम। जी अभी बाढ़ की समस्या के बारे में अपने पेपर में से निकाला, उसी गली के जो पेपर का है, उसके बेटे ने रोड डाली है जहाँ में रोड का ब्यौरा क्यों नहीं दिया? प्लॉटों में से लाइट में से, क्या लाइट बंद नहीं हो सकती? किसी के पानी नहीं जाएगा? क्या क्या पानी?